फर्जीवन सर। नो नो। नमस्ते सस्त्रीकाल, मैं और रोनी चौधरी एक बार नए वीडियो के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। और आज मैं जा रहा हूँ ग्वालियर फोर्ट में, ग्वालियर किले पर। क्या है भाई आज स्पेशल? आज वहाँ पर होने वाला है शूटिंग भाई, शूटिंग है ना। तो आज का साउथ इंडियन के सारे हीरोज़ यहाँ पे शूटिंग पे आ चुके हैं। और कम से कम मान लो बड़े बड़े हीरो से 7-8 हीरो सारे के सारे एक ही फ्रेम के अंदर आने वाले हैं। बनने वाली है सबसे बड़ी मूवी, तो उसी मूवी का शूट देखने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि उनसे मिले। तो दोस्तों ये है मूवी का शूटिंग आज जो ग्वालियर में चल रही है, जिसका नाम है पोनियन सेल्वम। पहला पार्ट है, पार्ट वन है। तो यहाँ पर मिल रहा है हमें वाइट शर्ट में दाढ़ी वाड़ी चश्मा पहन के शरद कुमार, सबसे सीनियर है। उसके बाद यहाँ पर है ऐश्वर्या राय, फिर है विक्रम भाई, और फिर उसके साइड में त्रिशा, उसके नीचे ब्लैक टी शर्ट में दाढ़ी वाड़ी में कार्तिक, और उस साइड में जे एम रवि, और एक और जो ब्लू शर्ट में है इनका नाम मुझे याद नहीं आ पर प्रभु है सर नेम। और ये मेरे डायरेक्टर जो है मणि रत्नम, सबसे फेमस डायरेक्टर है। तो ये होने वाली है सबसे बड़ी मूवी, और मध्य प्रदेश ग्वालियर के लिए एक ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि ऐसी मूवी अगर ग्वालियर में बन गई मान लो ग्वालियर तो फेमस हो जाएगा, और ज़्यादा फेमस होने वाला है। ओके, अभी बज रहा है सुबह के 11 बजे, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 दिन का पूरा शेड्यूल है। 19 तारीख को यहाँ पर ग्वालियर में आ चुकी है और आज सेटअप चल रहा है सुबह से। दोपहर के 2 बजे एक्टर सारे फील्ड पे आएंगे एक्टिंग के लिए। आज ये सब उषा किरण पैलेस होटल में रुके हुए, तो चले मिलते हैं वहाँ पर, कोशिश करते हैं उन लोगों से मिलने के लिए और मुलाकात करवाने के लिए। मुझे नहीं लगता होने वाला है, पर कोशिश तो ज़रूर करना है भाई। तो ये है हमारी गाड़ी, रेडी हो चुकी है। बैकग्राउंड वगैरह आप देखिए मत, वो सब छोड़ दीजिएगा। तो हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है खाली, और मैं हूँ यहाँ पे अपने एक्शन कैम के साथ। तो भाई देर किस बात की, चलते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है आज के दिन। भैया नमस्ते, क्या मूवी कास्ट का है क्या पूरा? साउथ का, तमिलनाडु के? ये मोटो ब्लॉगिंग चल रहा है हमारा, हम तो इसी कारण के लिए आए आज ऊपर। हीरोस वगैरह आ गए आज? नहीं आए, पहुंच चुके ऑलरेडी। ओके, तो दोस्तों ये देखो इतनी सारी गाड़ियां, और ये देख सकते आप यहाँ पे पूरा क्रू यहाँ पर मौजूद है। ये वैनिटी वैन यहाँ पर है इनका, और एक और दो तीन चार कितने सारे वैनिटी वैन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। जनरेटर्स भी है, सब चीजें, मतलब मान लो बहुत बहुत बड़ा बजट का फिल्म है। क्या बात है, ग्वालियर किले पे पहुंचते हैं सोल्जर्स। हाँ भाई कैसे हो, क्या शूट खत्म हो गया क्या? नहीं, चालू है अभी, चालू है अभी। आप लोग कहाँ निकले हो? हम लोग दुकान पे पानी वानी पीने के लिए। मुलाकात हो गई यहाँ के हमारे आज के कास्टिंग के फौजी लोगों से। ये देखो कितने सारे फौजी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे शूटिंग का एरिया है, जाने को मना कर रहे हैं वो लोग, पता नहीं क्या है। बिल्कुल ही झंडे वंडे सब ले जा रहा है, बहुत सारे गाड़ियाँ यहाँ पर है, और नौटंकी का हाथी भी वहाँ पर है। सारे गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है, तो यहाँ पे पता नहीं, देखते धीरे चलते हैं। मोबाइल वगैरह छीन रहा है ऐसे सुनने को आया है यहाँ पर। ये पूरा कास्टिंग मटेरियल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, पूरा जो फिल्म में इस्तेमाल होने वाला है सारे चीज़ों को तैयारी हो रही है, काम भी हो रहा है, और पूरा का पूरा मटेरियल खतरनाक काम चलता है भाई एक मूवी के अंदर।
मतलब ये मान लो बहुत बड़ी बजट का मूवी है ये, तो काम इतना होगा, इसमें जो क्रू इतना है कि पूछो ही मत। ये बन रहा है सारे चीज़ें, कलरिंग हो रही है। ये है पूरी बड़ी सी हाथी यहाँ पे खड़ा है जिसका काम चल रहा है अभी यहाँ पर। मैं आया हूँ यहाँ पे अंदर की तरफ, वो अपना कास्ट का उधर है पूरा मूवी सेटअप, वहाँ पे लगा है पूरा। यहाँ तक तो बड़ी मुश्किल से आया हूँ मैं। चलो दोस्तों, उस तरफ का कुछ दिखाने के लिए, वहाँ के नज़ारे दिखाने के लिए कोशिश तो करूँगा, तब तक के लिए आप इधर के मज़े ले लीजिएगा। ये है अपना ग्वालियर, उसके उस तरफ है अपना कास्टिंग क्रू। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा टेंट लगे हुए है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे है। ये है पूरा टेंट लगा रखा है, यहाँ से पूरा ऑपरेट हो रहा है। पहुँच गया मैं इस जगह पे आपको दिखाने के लिए, नज़ारे ये देखो है ना, कमाल की चीज़ें देखो वहाँ पे। ये बर्तन वर्तन यार पेंटिंग हो रहा है, पता नहीं क्या है सब। मान लो कि पूरा का पूरा एक युद्ध का सीन चल रहा है यहाँ पर फोर्ट पे, है ना। तो जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी हो, इस तरीके से इसी तरीके से यहाँ पर भी बन रहा है। मूवी को देखते तो बहुत मज़ा आता है, पर अगर आप रियलाइज़ करोगे सच में एक मूवी के पीछे कितना मेहनत है, कितने लोग है यहाँ पर, करीबन मुझे करीबन 700 लोगों करीबन यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो एक्स्ट्रा सपोर्टिंग जो स्टाफ है, सपोर्टिंग क्रू जो है, वही करीबन 500 के ऊपर है। तो सबको मिला के बहुत बड़ा एक ग्रुप है ये। आप लोग कहाँ से भैया, आप लोग कहाँ से हो? हम तो घूमते घामते पंची हैं। कहाँ से, वैसे कहाँ से हो? आगरा। आगरा से? अलग अलग। अच्छा, क्या बात है। मतलब आज ये क्या कहते हैं अपना रक्षाबंधन के मौके पे आप ग्वालियर आप पहुंची है मेरे ख्याल से, लग रहा है ना। तो कल भी मेरी वैसे ही मुलाकात हुई थी दो भैया लोगों से, एक थे कानपुर के, एक थे आगरा के। तो वैसे आप लोगों को मुलाकात। ओके, तो ये भैया लोग है आज के फ्रेम में आ जाएंगे आज के वीडियो पे। क्या नज़ारे यहाँ पे, बहुत खतरनाक काम चल रहा है सारा कास्टिंग का, आप देख सकते हो पूरे एरिया में, यहाँ पर भी है उधर भी है पूरा एरिया में। हम तो जा रहे हैं वहाँ उस जगह पे, वो कॉर्नर पे सबसे ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाके थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। ये देख लो भैया, कलाकृतियाँ बन रही है थर्माकोल की, पूरा ड्रेस का डिपार्टमेंट है ये पूरा। यहाँ पर आप देख सकते इतने सारे ड्रेसेस यहाँ पर रखे होंगे भैया, डब्बे 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 डब्बे, खतरनाक डब्बे यहाँ पर है पूरा। ये देख लो इनका मैनेजमेंट है पूरा, कपड़ों का, कपड़े सुखाने के लिए डाले यहाँ पे, कॉस्ट्यूम सारे यहाँ पर डाले रखे। यहाँ तो शानदार है यार, क्या बात है, इनका देखो क्या मस्त लग रहा है। ओके, यहाँ पर पूरा सेटअप चल रहा है, घोड़े है यहाँ पर, राजांगण बन रहा है, राजांगण। इमली के पेड़ के नीचे आ गए हम अभी, कैसे भी करके जहांगीर महल में पहुंच गया है अंदर। भैया काम तो बहुत जोरदार से चालू है यहाँ पर, बड़े बड़े लकड़ी के पिल्लर से बना रहे हैं देख सकते, मतलब कितना एक क्या कहते हैं जो पैसा इन पिक्चरों में लगता है आप देख सकते हैं मूवीज में, बिल्कुल ही असली लकड़ी का बना रहा है यहाँ पे। ये रोलेबल है, कहीं पर भी लेके जा सकते हैं लोहे के आइटम पे, पूरा काम ऑन द स्पॉट होता है, ये देख लीजिए जैसे ज़रूरत वैसे काम, पूरा रोलर्स के साथ देखते कितने मोटे मोटे लकड़ी यहाँ पर, जिससे पूरा काम चल रहा है। साइड से चलते हैं ऐसे, ऊपर से शायद एक्टिंग के सीन्स नज़र आ रहा है। इस जगह पे पहुंच गए बड़ी मुश्किल से। ओहो भाई शानदार, इसको फौज यहाँ पर चल रही है और आगे भी शूटिंग चल रही है, घोड़े चल रहे हैं यहाँ पर, वहाँ चल रही है शूटिंग। ये ऐसा नहीं लग रहा है ग्वालियर का जो पहले ज़माने में जो चलता था, वैसे रिक्रिएशन हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल वही नज़र आ रहा है। चेन्नई के जो लोग हैं ना, उन लोगों के लिए धूप तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मौसम में रहने की आदत है, उनको रहने की आदत है। राजा लोगों को आने के लिए यहाँ पर रास्ता तो बन चुका है, फौज भी तैयार है। ओके, देखो ऐसा होता है कि हीरो हीरोइन लोगों को दिखाया जाता है मूवीज में, और जो बैकग्राउंड में इन लोगों की मेहनत है किसी को नहीं दिखती है असल में, है ना। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है,
आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे आसपास इतने सारे लोग बैठे हुए, तके हारे बैठे हुए, और गर्मी तो तगड़ी है, बहुत खतरनाक गर्मी है ग्वालियर में। फर्जीवन सर नो नो, कैसा लगा मिलके? नहीं भैया, फोटोग्राफ चाहिए था, निकल के कॉस्ट्यूम में नहीं हो पाया। ओके ओके भैया, किस्मत ऐसी थी कि फर्जीवन सर से मिलने का मौका मिल गया, पर क्या है फोटो नहीं खींच पाए। उनका कहना है कि कॉस्ट्यूम में फोटो नहीं खींचना है, तो बिल्कुल ही नहीं हो पाया। चलो भैया हो गया, हम तो पार्किंग पे पहुंच चुके हैं, काफ़ी अपडेट्स निकालने की कोशिश करी वहाँ पे। यह है कि मूवी यहाँ पर दो तीन दिन और चलने वाली है, और किसी से कुछ मिल नहीं पा रहा है, और बिल्कुल ही मान लो क्या बोलूँ मैं, आप जितना अभी आज मैंने डाला है उतना ही है। इससे ज़्यादा अगर अपडेट चाहिए तो आप क्लिप पे आ सकते हो, और यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।